शहर के व्यस्तम इलाके सटवा माता मंदिर परिसर के साथ ही शहर के मुख्य रास्ते खेल खलियानों में पनप रहे लॉज व्यवसाय और लॉज व्यवसाय की आड़ में चल रहे जिसमें फरोशी और शारीरिक सुखों के लिए सुलभता से लॉजों में रूमों की उपलब्धता और वहां चल रहे घिनौने व्यवसाय की उजागर होती सच्चाई चीख चीख कर पुलिसिया कार्रवाई में उजागर हो रही है कि यहां लॉज व्यवसाय नहीं कुछ और भी बेखौफ चलता है। स्थानिक पुलिस की निरंतर कार्रवाई और सोशल मीडिया और अखबारों में लगातार प्रकाशित होती खबरों से इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों में अब आस बनने लगी है और उन्हें वो दिन दूर नहीं लगता जब यहां संचालित होने वाले लॉज की वजह से बदनाम होती बस्ती और हीन भावना से जल्दी छुटकारा मिलेगा। इसी विषय पर हमारे स्थानिक संवाददाता ने इन लॉजों के आस पास रहने वालों से बातचीत कर लॉज के बारे में उनके विचार जाने। आपल्या मोहल्ल्यामध्ये लॉज पाहिजे नाही? ठीक आहे, काही महिला अजून आहे आपल्या सोबत, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। पाहुणे पर येते थे म्हणते हे काय होय काय बनलं बा, तुम्ही लोक झोपले होते का, हे लाज अशी पाहिजे का? आम्हाला तर अशी शरम आल्यासारखी वाटते। जो करती है वो फिर कोई नहीं करता ऐसा कहा जाता है। एक बार अभी फिर सटवा माता मंदिर परिसर की जो नागरिक है वो एक बार फिर से रोष में है। प्रशासन से मीडिया यही मांग करती है कि ये लॉज व्यवसाय के पीछे में चलने वाला जो अवैध व्यवसाय है उसे तुरंत बंद कर इन लॉजों के रजिस्ट्रेशन है या इनको जो मान्यता दी है वो रद्द की जाए। हमको तीन बार बुलाता है, तीन बार जाते और हमारे जिले पे हमारे घर में दो बार आके गए, हमारी बहू बेटी घर में रहती है, हमको कितना। और जो आने वाले जो लोग कोई कोई उसमें से तो ऐसा हो जाता है कि उसकी जो सहेली जो लड़की मेरे पास पढ़ रही है उसकी सहेली जब बाइक पे दिख जाती है तो कभी घुसते हुए दिख जाती तो नीचे मुंडी डाल देती है, ऐसा भी होता है। सावलीर से एनवीसीएन न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढुंडेली की रिपोर्ट।